मेन आइडिया आप लोगों को बस देना है, तो है तो बहुत इजी। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है √26 की। किस तरह निकालोगे आप, इसको ब्रेक करना है 26 हो जाए 19 हो जाए, ब्रेक करने का तरीका होगा करीब तरीन जो आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल 26 को ब्रेक करने के दो तरीके हैं, 36 माइनस 10 या 25 प्लस 1। जितना चेंज कम होगा उतना आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। चेंज मतलब 25 प्लस 1, 25 में 1 ऐड हो रहा है तो 1 एक छोटी चीज है, जबकि 36 माइनस 10, माइनस 10 एक बड़ी चीज है, तो आपने उसमें ब्रेक करना है जो करीब तरीन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में होगा √19, तो √19 को आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 16 प्लस 3 या 25 माइनस 6। अब 25 माइनस 6 बड़ी चीज है, तो आप किस तरह ब्रेक करोगे 16 प्लस 3, वरना आंसर आपका डेविएट कर जाएगा, वो अप्रोक्सीमेट के करीब नहीं होगा, दूर होता जाएगा वो। ठीक है, तो जितना करीब तरीन हो सकता है उतनी अच्छी आपकी अप्रोक्सीमेशन होगी। तो सॉल्यूशन में आप क्या करो, सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो 25 प्लस 1, फिर आप इसको इस तरह कर दो 25 प्लस 1 की होल पावर 1/2। उसके बाद आपको पता है कि 20 आपको 1 चाहिए होता है यहां पे, तो आप इसको इस तरह लिखो 1 प्लस 25 नहीं कर देना, वो चीज ही गलत बन जाएगी, वो x आपका इतना बड़ा हो जाएगा वो आंसर ही सही नहीं आएगा। तो 1 प्लस 25 नहीं करना, x बहुत बड़ा हो जाएगा, x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, वरना आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी, वैल्यू कैसे निकालोगे। तो ये गलती मत करना। आप क्या करो 25 कॉमन लो अंदर से, तो पहले टर्म से 1 आ जाएगा और दूसरे टर्म से 1/25 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 25 के ऊपर पावर 1/2 आ जाएगी और ये हो जाएगा 1/25 की पावर 1/2। 25 के ऊपर 1/2 आपको पता है 5 होता है, मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और आपके पास पीछे बचेगा 1 + 1/25 की पावर 1/2। ये सिचुएशन आ रही होगी। अब बस आपने इसको बाइनोमियल लगाना है और इसको सॉल्व करना है, तो बाइनोमियल लगाओ, ये हो जाएगा 1 + nx + n - 1/2 और x का स्क्वायर करो आप यहां पे। उसके बाद जो चौथी टर्म होगी वो होगी 1/2 - 1, फिर होगी 1/2 - 2 / 3 1/25 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे 4 तक ही निकालो, काफी है, 4 भी वैसे बहुत एक्स्ट्रा है। आपको आंसर जो है ना 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है, तो आप एक काम करो, जो ये बाइनोमियल लगा रहे हो ना ये भी 3 या 4 टर्म आप लिखो बस इसके अंदर। तो नॉर्मली आप 4 टर्म लिख रहे होते हैं, तो आप 4 टर्म लिख दो इसके अंदर और इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट पे आंसर निकालो। अब देखो आंसर मैंने निकाल ली, यहां पे चौथी टर्म का कोई रोल है नहीं। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि जो आपको आंसर है 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, ये जो चौथी टर्म है इसका 4 डेसिमल प्लेसेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्यों, इसके शुरू के 4 तो मिनिमम 0 है, 5वां भी 0 है इसका, मतलब 5 डेसिमल प्लेसेस का कोई फर्क ही नहीं है, 0 0 आप ऐड कर रहे हो, 6ठी डेसिमल में इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप शुरू के 3 कंसीडर करो ना, तब आपका आंसर मेरे ख्याल में 5.099 आ रहा होगा। ठीक है, उसके अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस का लगाना है ना, तो अगर आप शुरू के 3 भी कंसीडर करो तो उसके बाद 5.099 आ रहा होगा, आप एक 0 लगा देना अपनी तरफ से, या 4 भी निकाल लो कोई फायदा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया चौथी का कोई इंपैक्ट ही नहीं है यहाँ पे, 4 डेसिमल प्लेसेस तक कोई नहीं। हाँ, अगर आप ज्यादा डेसिमल प्लेसेस निकाल रहे होगे वहां शायद आपको इंपैक्ट नजर आ जाए, लेकिन इसमें कोई इंपैक्ट नहीं है। तो बहरहाल जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो असल में मैंने कॉपी की है, मुझे नहीं पता इसका ये आंसर आ रहा क्या है, -0.002 + 0.00004। हाँ, तो आंसर इसका ये आ रहा है एग्जैक्ट, इसको जब आप मल्टीप्लाई 5 करोगे ना, तो आंसर आपके पास आ रहा है ये चीज। तो अब उन्होंने बोला होता कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो 2 का राउंड ऑफ कर देना, मतलब 2 5 से छोटा है, अगर बड़ा होता तो इसके अंदर मैं 1 कर देता इसको, 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ कर दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। आप लोग यही स्टैंडर्ड रख लो कि 4 टर्म निकाल लो, इंपैक्ट पड़े ना पड़े एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लो कि 4 टर्म निकालो, ऐड करो, सॉल्व करो, जो आंसर आए, जो भी कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है आप उसको राउंड ऑफ कर लो, और 4 डेसिमल प्लेसेस तो उन्होंने बताया था, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप निकाल लो। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें भी आपने यही काम करना है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। आपको प्रूफ करना है ना इसमें कि प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि b + 2a / a + 2b ये इक्वल है √a/b। नियरली लिख दो ताकि आपको बात समझ आए, नियरली इक्वल है, और गिवन क्या है कि a नियरली इक्वल टू बी। अब मतलब इनका नजरा बताता हूं आपको।
सॉल्यूशन स्टार्ट करो, सबसे पहले आप लेट कर लो, मतलब प्रूव स्टार्ट, प्रूव बाद में स्टार्ट करते, पहले लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना है आपने यहां पे, लेट करना है कि a बराबर है b प्लस h के। अब ये चीज कहां से आई है, देखो उन्होंने बताया a नियरली इक्वल है b के, कहने का मतलब a और b ऑलमोस्ट बराबर है, कुछ पॉइंट्स कुछ वैल्यू का फर्क होगा, वो जो कुछ वैल्यू है ना वो h है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं एक वैल्यू है 0.1 और कंसिडर कर लो एक वैल्यू है 0.11, मैं आपको बोलता हूं यार ये ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। मैं कुछ तरह लिख सकता हूं ना कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ए बोल दूं इसको बी बोल दूं, तो ए जो है ये बराबर होगा, ए बराबर होगा किसके, जब मैं उल्टा कर देता हूं बात एक ही होगी, फॉर एग्जाम्पल बी की बात करते हैं, बी किसके बराबर होगा, ए प्लस 0.01। एक मिनट मैं देख लेता हूं मैथ मेरी ठीक है ना, मैथ थोड़ी सी वीक है मेरी यार, तो 0.1 प्लस 0.01, हाँ सही है बिल्कुल। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे बी जो है 0.1 है वो किसके बराबर है, ए प्लस 0.01, मतलब इसमें और इसमें थोड़ा सा जो फर्क है वो 0.01 का है ना, ऑलमोस्ट तो इक्वल है ना लेकिन हल्का फुल्का फर्क है। आप 0.1 और 0.11 को बोलोगे ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटीज हैं लेकिन फिर भी फर्क है, और उस फर्क को आप किस तरह लिख सकते हो, आप ये कह सकते हो ए और बी ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन कुछ वैल्यू का फर्क है, कुछ वैल्यू इसमें फर्क आ रही है, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी अगर आप ए की फॉर्म में लिखोगे तो आप इस तरह लिख दोगे, बी के फॉर्म में लिखोगे जिस तरह भी तो वो कंपनसेट हो जाएगा। आप यहाँ पे प्लस ही लिखो, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आना होगा तो एच की नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, अगर पॉजिटिव आना होगा तो एच पॉजिटिव होगा, वो एच खुद ही कंपनसेट कर लेगा, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे प्लस एच ही करोगे। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ए और बी अगर एग्जैक्ट इक्वल होते, रोहिणी लाइट चली गई थी, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि यार एक स्टेटमेंट होती है ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी एग्जैक्टली बराबर है, और एक स्टेटमेंट होती है ए इक्वल टू बी प्लस एच, वेयर आप लिख सकते हो कि जो एच है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, मतलब कहने का मतलब ये कि ए और बी में बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है। तो जब दो नंबर्स में बहुत ही कम डिफरेंस है तो आप उसको इस तरह लिख सकते हो कि ए बराबर है बी प्लस एच के, वेयर एच जो है वो एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। अगर आप पेपर पे लिखना चाहो इस लैंग्वेज में लिख सकते हो कि वेयर एच इज सो स्मॉल, सिंपल लैंग्वेज में। ये लिखने का फायदा क्या होगा, जब h की हायर पावर होगी तो आप निग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है h एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना कि अगर मैं देखो बहुत ही कम फर्क है तो वो जो फर्क है उसको आप h से लिख सकते हो, तो h एक बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, जब उसकी हायर पावर होगी तो आप इग्नोर कर दोगे उसको, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो ये सब चीजें गिवन थी बच्चों, तो इसलिए मैंने जो लेट किया ना, मैंने आपको वजह बताई कि मैंने यहाँ पे a को b प्लस h के बराबर क्यों लेट किया। अगर बोला जाता ना के ए और बी में मतलब ये आपस में इक्वल नहीं, इनमें डिफरेंस है, तो इसका मतलब एच वहां पे बड़ा होता, तब भी आप ए इक्वल बी प्लस एच की फॉर्म में लिख सकते हो लेकिन उसमें एच बड़ा होता। यहां पे बताने का मकसद है कि एच बहुत ही स्मॉल है, मतलब ए और बी नियरली इक्वल है तो एच बहुत स्मॉल है, तो जब हायर पावर होंगी उनको आप निग्लेक्ट कर दोगे। तो खैर प्रूफ स्टार्ट आप किस तरीके से करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड यहां पे पिक करो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है बी प्लस टू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस टू बी, तो वैल्यू पुट कर दो, a बराबर है b प्लस एच के, यहां भी पुट कर दो, नीचे भी a की जगह b प्लस एच पुट कर दो, ऊपर बच्चों आ रहा है b प्लस टू बी प्लस एच और नीचे आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो b प्लस टू बी ये हो जाएगा 3b बी प्लस एच, इसी तरह b प्लस टू बी, कोई मिस्टेक तो नहीं मैंने की, a की जगह मैंने b प्लस एच लिख दी है, 3b बी प्लस एच होना चाहिए और ऊपर हाँ 2h होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2h हो जाएगा यहाँ पे, वरना कैंसिल हो जाता वरना आ जाता। अच्छा उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे काम करो कि आप 3b को कॉमन ले लो, तो जब आप ऊपर और नीचे से 3b कॉमन लोगे तो होगा क्या, ऊपर से अगर आप 3b कॉमन लोगे तो आपके पास ये बचेगा 1 और 2h से आपने जबरदस्ती कॉमन लिया तो आप इसको लिखोगे 2h अपॉन 3b, जब जबरदस्ती कॉमन लेते हो तो आप डिवाइड कर देते हो। सेम काम नीचे भी करो, 3b कॉमन लो पहले टर्म से 1 आएगा और दूसरी टर्म जो है वो किस तरह लिख सकते हो h अपॉन 3b, तो सॉल्व करो 3b तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है 1 प्लस 2h अपॉन 3b और इस वाली चीज को ऊपर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा h अपॉन 3b और होल पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब आप इस पे लगा देना बाइनोमियल थ्योरम, अगेन शुरू के दो टर्म कंसीडर करोगे क्योंकि h का स्क्वायर h का क्यूब वो बहुत ही स्मॉल होगा, उसको आप निग्लेक्ट कर दोगे, आपने शुरू में ही मेंशन कर दी थी बात, तो दो टर्म डिस्कस करोगे, दो टर्म कौन सी होती हैं, दो टर्म बच्चों होती हैं 1 प्लस nx, तो 1 प्लस अच्छा n यहां पे नेगेटिव है तो माइनस और x यहां पे क्या है h अपॉन 3b,
ये पूरा x का रोल अदा कर रहा है, तो 1 दरमियान में प्लस, लेकिन n नेगेटिव है, दैट्स व्हाई नेगेटिव आ गया, और x यहां पे क्या है h upon 3 भी, बहुत दफा मैंने आप लोगों को अप्लाई करके देखा है। अब सॉल्व करो, 1 को 1 से करो, ये हो जाएगा माइनस h upon 3b, फिर 2h upon 3b, ठीक है। अच्छा, जब इस वाले को से मल्टीप्लाई करोगे ना तो h स्क्वायर हो जाएगा, अगेन h स्क्वायर आपने निगलेक्ट करना है तो इसको स्किप कर दो, लिखना चाहो तो लिख दो h स्क्वायर वाले टर्म लिखना, उसके बाद कैंसिल करके बोल देना निगलेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ना लिखो क्योंकि आपने ऊपर मेंशन कर दिया तो ये बात ऑलरेडी क्लियर है। सॉल्व करो, अगर आप एलसीएम लोगे ना तो यहां से आएगा माइनस h, यहां से आएगा प्लस 2h, तो सिंप्लीफाई करो h अपॉन 3b हो जाएगा, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको एक और करने का भी तरीका है कि इसको आप 1 बोल दो और फिर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, उसको भी यहां तक ले आओ, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। हमें काम करते हैं इस पूरी चीज को किसी तरह हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब प्रूफ करने के डिफरेंट तरीके होते हैं ना। एक प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करो, उसको सिंप्लीफाई करो, उसको 1 बोल दो, राइट हैंड साइड को पिक करो, सिंप्लीफाई करो, उसको 2 बोल दो, आप ऑब्जर्व करोगे 1 और 2 आपस में बराबर आ रहे होंगे। प्रूफ करने का दूसरा तरीका क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड या किसी भी एक साइड को पिक करो, उसको इतना सॉल्व करो कि दूसरी साइड के बराबर आ जाए। और एक तीसरी प्रूफ करने का तरीका होता है जो पहले का ही मॉडिफाइड वर्जन है कि लेफ्ट राइट दोनों के साथ लेके चलो, दोनों को सॉल्व करते जाओ, जहां पे इक्वल आ रहे हैं आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा वाला मेथड है वो यहां पे कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड को इतना सिंप्लीफाई करो कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। किस तरह, ये जो चीज लिखी हुई है ना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 प्लस एच अपॉन बी की होल पावर 1 अपॉन 3। आप कहोगे सर कैसे, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे यूजिंग बाइनोमियल तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, हायर पावर कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि एच स्क्वायर आ रहा होगा, एच स्क्वायर हायर पावर में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो आपने निगलेक्ट करना, हायर पावर कंसीडर नहीं करनी उसकी। तो शुरू की दो टर्म ये होंगी, तो 1 प्लस एन यहां पे क्या है 1 अपॉन 3, एक्स यहां पे क्या है एच अपॉन बी, तो देखो एक्जेक्ट वही चीज आ रही होगी 1 प्लस एच अपॉन 3बी। तो 1 प्लस एच अपॉन 3बी को बाइनोमियल की फॉर्म में, होल पावर की फॉर्म में आप किस तरह लिख सकते हो, 1 प्लस एच अपॉन बी की होल पावर 1 अपॉन 3। ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर होगी अगर x स्मॉल है, वरना बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, ये तो आपको बात समझ आ गई, ये वाली चीज सेम होगी, इक्वल होगी अगर h जो है वो स्मॉल है और यहां पे है स्मॉल ही ना। अब इस वाली चीज को मेरे सिंप्लीफाई करते हैं, b को मल्टीप्लाई करो 1 से और एड कर दो h में, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने शुरू में लेट किया था b प्लस h किसके बराबर है, a के बराबर, तो आप b प्लस h की जगह पुट कर दो a, ये हो जाएगा a अपॉन b, मतलब ऊपर ए आ गया नीचे बी है, और ये जो 1 अपॉन 3 है इसको आप क्यूब रूट की फॉर्म में लिख दो, तो आगे आपकी राइट हैंड साइड, नीचे आप लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज प्रूव उसी वक्त होगी जब आपने कंसीडर किया कि एस स्मॉल है, मतलब ए और बी ऑलमोस्ट इक्वल है, हल्का पुल गया तो उसके अंदर फर्क होगा, तब ये चीज आपस में इक्वल आ रही होगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड अगर आप सवाल देखो ना, क्वेश्चन नंबर 14 तक एक ही चीज फॉलो हो रही है इसके अंदर, कि आपके पास एक इंफिनिट सीरीज गिवन होगी, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बाइनोमियल सीरीज है। जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे उसके बाद आसानी से आप सम भी मालूम कर लोगे उसको, क्योंकि अगर आप देखो इसमें कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, नंबर्स ही हैं बस, तो आप आसानी से सम भी मालूम कर सकते हो, बस आपको एक्स और एन पता होना चाहिए तो आप आसानी से सम मालूम कर लोगे। तो x और n कैसे निकालोगे, वही तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये इसकी बाइनोमियल सीरीज मतलब कौन सी बाइनोमियल सीरीज है, मतलब इसमें वो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना 1 प्लस x की पावर n, तो x और n क्या है, जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद सम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कह लो और 8 तकरीबन सेम ही किस्म के, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं इनके अंदर, 7 में चलो नेगेटिव आ रहा है उसमें भी वो खास बात नहीं है, तो देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूं उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है उसको हम कर लेते हैं सबसे पहले। सवाल क्या गिवन है, 1 प्लस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, अच्छा फिर है प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इसको पॉइंट ना ले लेना, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, फिर है 2.5.8 डिवाइडेड बाय 369.1/2 क्यूब, ये पूरी सीरीज है। अच्छा देखो, अगर आपने इसमें नेक्स्ट टर्म मालूम करनी है ना, वो तो आसानी से मालूम कर सकते हो, आपको पता है पैटर्न क्या चल रहा है, 2 है फिर यहाँ 25 है फिर यहाँ 258 है, अगली में क्या होगा 258.11, तो ये पैटर्न तो आप मालूम कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म तो आप मालूम कर सकते हो, असल बात है कि इसका सम मालूम करना है। सवाल में उन्होंने क्या लिखा हुआ है,
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बायनोमियल, मतलब इसकी इसका बायनोमियल वर्जन आपने निकालना है कि यार इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, किस बायनोमियल को एक्सपेंड करो, तो ये चीज आ रही है। जैसे आइडेंटिफाई कर लोगे एंड फाइंड देयर सम, उसके बाद आप सम मालूम कर लोगे। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब इसका कोई ना कोई बायनोमियल वर्जन होगा ना, कि आपके पास बायनोमियल वर्जन होगा, उसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ये पूरी बायनोमियल सीरीज आ रही होगी। तो वो जो बायनोमियल टर्म है और उसकी जो पावर गिवन है, वो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले लेट कर लो, अभी आपको नहीं पता तो आप लेट कर लो यहां पे कि ये जो पूरी सीरीज है ये किसी बराबर होगी 1+x की पावर n, और ये आपको x और n निकालना होगा। फिलहाल इसको बराबर कर देते हैं, कोई ना कोई बायनोमियल इसकी सीरीज होगी ना, तो वो इसको बराबर करते हैं। अच्छा जी, शुरू की दो टर्म की ज्यादा आपको नीड है, तो मैं शुरू की खैर तीन टर्म लिख दी है, लेकिन दो टर्म भी काफी है, काम हो जाएगा आपका। नहीं ये दो टर्म की जरूरत होती है, मतलब दूसरी और तीसरी की जरूरत होगी, जो चौथी है उसको छोड़ दो, जरूरत नहीं है, ऊपर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आपने लेट कर लिया, पूरी सीरीज जो है इसके बराबर है। अब आपको ये चीज निकालनी है, अब ये चीज कैसे निकालोगे, इसका आप जनरल फॉर्मूला जो है ना वो लिखो और उससे कंपेयर करवा लो। आपको पता है बट मतलब 1+n 1+x की पावर n आपने इसके बराबर रखा, लेकिन आपको पता है कि 1+x की पावर n किसके बराबर होती है, 1+nx+n n-1/2 × x² और ये पैटर्न चलता जाता है। तो आप क्या करो, आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करवा लो, बेसिकली आपको n और x चाहिए, तो आप कंपेयर करवाओ इनको। यहाँ पे जो nx है, जो सेकंड टर्म है वो इसके बराबर होगी, जो थर्ड टर्म है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। तो आप लिखो कंपेयरिंग, लिखो बाय कंपेयरिंग वी गेट, जब आप कंपेयर करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सबसे पहली बात nx जो है वो किसके बराबर है, 2/3 × 1/2, अगर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/3, मतलब nx जो है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। हमें काम करते हैं, इसको अपने जवाब रहने दो, नीचे मैं लिख देता हूं क्योंकि इस इक्वेशन का काम होगा हमें, nx = 1/3, इसको हम 1 बोल देते हैं। आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करो, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद आप कुछ कर पाओगे यहाँ पे, तो स्क्वायरिंग करो, ये हो जाएगा n² x² ये हो जाएगा 1/9, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसका भी काम होगा आगे इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा। तो एक तो आपने ये कंपेयर किया, उसके बाद दूसरी चीज आप एंड जो इसकी तीसरी टर्म है उसको कंपेयर करो उसकी तीसरी टर्म से, तो n n-1/2 × 2 लिख सकते हो आप, x² = किसके बराबर है, इसके बराबर है, 2 × 5 3 × 6 × 1/2 2। अगर आप इसको सॉल्व करो, ए 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा ऊपर 5 है नीचे क्या है, 3 6 18 18 2 36, तो ये है 5/36, तो ये आपके पास आ गई एक और इक्वेशन, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं। अब करना क्या है, आपको इन दो की जरूरत क्यों पड़ी है, मतलब आपने शुरू की मतलब दूसरी और तीसरी टर्म को क्यों आपस में कंपेयर करवाया, क्योंकि यहां पे दो अननोन है, एक एन है और एक एक्स है, दो अननोन के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होती है। तो एक इक्वेशन ये मालूम कर ली, एक इक्वेशन ये मालूम कर ली, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करोगे जरा देख लेते हैं, आप क्या करो, आप स्क्वायर दोनों को डिवाइड करवा दो, तो डिवाइड इक्वेशन 3/2, इक्वेशन ना करो आप सिंपल 3 कह दो, डिवाइड 3/2, 3 आपके पास क्या है, n n-1/2 x² और इसको आपने डिवाइड करना है, इक्वेशन जो 2 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, n² x² = जो 3 है उसकी राइट हैंड साइड है 5/36 और जो 2 है उसकी राइट हैंड साइड है 1/9। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहली बात x² से x² कैंसिल, n से ये वाला n कैंसिल, 9 × 9 9 4 = 36, अब क्या बचा, देखो ऊपर आपके पास बच गया n-1, इस 2 को वैसे कैंसिल कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम कर देंगे, नीचे n है तो आप लिख सकते हो 2n, यहां पे ऊपर है 5/4 क्योंकि नीचे वाली चीज तो सब कैंसिल हो गई है, मजीद कैंसिलेशन करो, 2 × 1 = 2 2 × 4, ठीक है। उसके बाद इस n को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। तो सॉल्व करो, 2n-2 = 5n, -2 = हो जाएगा 5n-2n, ये हो जाएगा 3n, n की वैल्यू निकालो, n आ जाएगा -2/3। तो बच्चों ये n की वैल्यू आ गई आपके पास, n के बाद आपको क्या चाहिए, x चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसको बोला था, क्योंकि इसमें आप n की वैल्यू पुट करोगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में nx = 1/3 है ना, तो n की जगह पुट कर दो -2/3 x = 1/3,
तो इक्वेशन नंबर वन है उसमें एन की वैल्यू आपने पुट कर दी -2/3। उसके बाद आप क्या करो, सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो बेटो जैसे आप लोगों के पास x और n आ जाएगा, आपका मसला हल आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन नंबर ए बोल दो, इक्वेशन नहीं है, ए बोल दो आप इसको बस। तो इक्वेशन बोल भी सकते हो, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। जब आप पुट करोगे तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, जो ए है ना उसमें आपने एन और एक्स निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 1+x, एक्स की जगह पुट कर दो -1/2, और एन क्या आया है, एन आया -2/3, और ये पूरा बराबर है इसके, 1+2/3 × 1/2 + 2 × 5 × 3 × 6 / 2² जो भी चल रहा है, ठीक है। तो अब आपने किया क्या है, अभी तक किया ये है कि आपने जो पूरी इन्फिनिट सीरीज थी आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। क्या आइडेंटिफाई किया है, कि ये पूरी सीरीज जो है वो बेसिकली इस चीज की है, इस बाइनोमियल की अगर पावर -2/3 हो तो ये पूरी आ रही है। मजीद अगर आपने चेक करना चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल में क्या होता है, 1 nx, n है यहाँ पे -2/3, एक्स है यहाँ पे -1/2, तो देखो बिल्कुल मिडिल टर्म आ रही होगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/3 × 1/2 ये वाली टर्म आ रही है। फिर तीसरी टर्म क्या होती थी, तीसरी टर्म होती थी n, n यहां पे क्या है -2/3, n-1 ये होता था, नीचे आता था 2, यहां पे आता था x square क्या है यहां पे, x है -1/2 - 1/2 का स्क्वायर, तो देखो -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 square, वो तो मैच कर गया। इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा अंदर -5/3, बाहर है -2/3, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 2/3 × 5/3 एग्जैक्ट वही है, 2/3 × 5/3, 3 से मल्टीप्लाई के 5/6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो इन्फिनिट सीरीज गिवन थी इसको नहीं, आपको नहीं पता है किस बाइनोमियल को आपने एक्सपेंड किया तो ये आ रही थी, लेकिन अब आपने मालूम कर लिया कि भाई इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये चीज आएगी। तो इस पूरी चीज का सम किसके बराबर है, इस पूरी चीज का सम इसके बराबर है, तो जैसे आप इसको सम कर लोगे इसका मतलब आपने उस पूरी चीज का सम कैलकुलेट कर लिया, सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग नीचे रखना, मेरे पास वो जगह नहीं थी। तो ये करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो पूरी चीज है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 ही आएगा, तो देखा 1/2 की पावर -2/3। देखो जब माइनस आ रहा होता है ना तो इजी हल, मैंने आप लोगों को क्या बताया मैं इसका, अगर शायद नहीं बताया, अगर बाहर पावर में -1 आ रहा है ना तो आप फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, वो माइनस कंपनसेट हो जाएगा, मतलब ये 1/2 है इसको आप 2/1 कर दो और माइनस को इग्नोर कर दो, इस तरह कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि 1/2 लिखा हुआ है ना, 1/2 पे पावर -1 है और जो 2/3 पावर उसको फिलहाल बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब माइनस पावर जो है ये 1 के ऊपर भी है, ये माइनस पावर 2 के ऊपर भी है, तो 2 को जब ऊपर लाओगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को नीचे लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस पावर आपकी गई, बाहर क्या मौजूद है 2/3 मौजूद है। तो सिंपल लैंग्वेज में यहां पर 2 बच गया है, 2 की पावर 2/3। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और उसकी होल पावर 1/3, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 1/3 मतलब क्यूब रूट। तो भाई सवाल आपका कंप्लीट हो गया, आपने पूरी चीज जो है ये मालूम कर ली। चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना पूरा, ये जो पूरी चीज है ना लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना कि ये आपने मालूम कर लिए, ये किसके बराबर है, ये बराबर है √4। या इस तरीके एक और ये भी हो सकता है कि आप ये टर्म लिखो, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाओ, ठीक है, और इसको राइट हैंड साइड बना लो, उसके बाद जैसे मैं राइट साइड बनाई है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये पूरी चीज लिख लो और फिर इसको सॉल्व करते जाओ, तो एंड पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी 3√4 के, ये क्यूब रूट है, 3√4 नहीं, √4 है। तो चाहो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वरना इतना भी छोड़ सकते हो। तो आपने बच्चों इस सीरीज को आइडेंटिफाई भी किया, उसके बाद इसका सम भी मालूम कर लिया। तो आई गेस इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल मैथ है, आपने कंपेयर करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस में अभी काम करते हुए आ रहे थे, यही काम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में करना है, कोई नई चीज नहीं है जो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को करवाऊं, 2 इक्वेशन बनेंगे आपने वैसे ही सॉल्व करना है। जहां तक आप क्वेश्चन नंबर 7 की है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन वो आपको मसला नहीं करेगा, कोई काटेगा नहीं नेगेटिव आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास लिखा है 1 - 3/4 + 3 × 5 = 4.8, दैट्स इट, सॉरी पॉइंट कह रहा हूं, मल्टीप्लाई इट, इसके बाद आगे लिखने की जरूरत नहीं है।
तो NH जो है वो यहां पे है माइनस 3/4, आप स्क्वायर करना, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9/16। दूसरी इक्वेशन है n माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये किसके बराबर होगा, 3 × 5 = 15, 4 × 8 = 32, इसके बराबर होगा। तो आप इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देना इससे एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, और इसको डिवाइड कर दोगे 9/16 से। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एन से ये वाला एन कैंसिल, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 16 × 1 = 16, 2 =, तो होगा ये कि यहां से बचेगा n माइनस वन, ये वाला 2 इस n से मल्टीप्लाई होकर 2n, यहां पे होगा 5/2 और नीचे है 3। जब आपके पास न्यूमरेटर में फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में जस्ट एक नंबर लिखा हुआ है तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हो जाएगा 5/6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। वैसे में आपको मसला नहीं है, n को मल्टीप्लाई करवा देना 5 से, 3 को इधर से मल्टीप्लाई करवा दो, 3n - 3 ये हो जाएगा 5n, सॉल्व करो उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 3n, 2n होगा, n की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -3/2। तो ऑलमोस्ट सारा सवाल मैंने ही कर दिए, n आ गया -3/2, यहां पे n की जगह पुट कर देना -3/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो x की वैल्यू सिंपल 1/2 आ जाएगी। दैट्स इट, आपकी आ गई बाइनोमियल, क्या है बाइनोमियल, 1 + 1/2 की पावर -3/2। एक्सपेंड करके देख लेना आपके पास ये टर्म्स आ रही होंगे, जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया अब जरा इसका सम निकालना, ये पूरी चीज जो है ये बराबर है इसके, सम निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3/2 की पावर -3/2। अगेन मैंने वही बात बताई थी ना कि आप रेसिप्रोकल कर देना, नेगेटिव आ रहे ना, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 3/2, सही है। उसके बाद आप कैसे लिख सकते हो इसको, आप जो क्यूब जो है ना ये दोनों के ऊपर लगा दो, इसके ऊपर भी क्यूब लगा दो, इसके ऊपर भी लगा दो, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा √8/27। तो बहुत ही ईजी सवाल है यार, कोई भी इसमें मसला नहीं होता, ये जैम में आते भी है लॉन्ग के अंदर, बहुत ही बच्चों वाले सवाल है, तो आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद 8 जो है, 8 भी बड़ा ईजी है, बच्चे फैक्टोरियल से घबरा जाते हैं, पता नहीं फैक्टोरियल क्या काटेगा उनको क्या करेगा। आपके पास लिखा हुआ 2 + 5/2 × 3, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इस वाले टर्म की, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ फिर भी आते आता है, और आगे अगली वाली टर्म को ही लिखते। देखो इसमें गलती नहीं करना कि डायरेक्ट आप इसको एनएक्स कह दो, क्योंकि यहां पे 2 जो है ये कंपेयर नहीं कर सकते आप, जब आप इसको लेट करोगे ना, लेट 1 + x की पावर n, तो आप इसको 2 नहीं कर सकते ना बाइनोमियल में, आपको पता है कंपेयर करने के लिए बाइनोमियल में पहली टर्म 1 होती है, तो आप 2 को इस तरह लिखना 1 + 1, दैट्स इट। अब आप इसको बाइनोमियल से कंपेयर कर सकते हो, इसको पहले इस तरह लेट करना, फिर 1 + x की पावर n का फॉर्मूला मेंशन करना कि 1 होता है nx होता है n, n माइनस 1 2x² होता है, ठीक है। तो जब आप ये लिखोगे अब आप कंपेयर कर सकते हो कि 1 किससे कंपेयर हो रहा है, क्योंकि अगर पहले 2 होता तो 1 और 2 कंपेयर करने के लिए आपको पता है सेम चीज होनी चाहिए ना, 1 और 2 को तो कंपेयर नहीं करवा सकते, लेकिन अभी 1 और 1 आपस में कंपेयर हो रहा है, nx जो है वो 1 के बराबर है और ये पूरी चीज इसके बराबर है, तभी मैंने कहा था इस टर्म की जरूरत नहीं है। तो यहां पे बस nx को 1 के बराबर रखना, n स्क्वायर x स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा, और n − 1/2 x² को बराबर रखना इसके, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 5/6। तो डिवाइड करवा देना n स्क्वायर x स्क्वायर को, यहां पे डिवाइड करवा देना 1 से, तो x स्क्वायर कैंसिल, एक n कैंसिल, ये बेसिकली 5/6 ही हो जाएगा, तो n − 1/2 = 5/6, 6n − 6 = 10n, उधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा, तो 4n = -6 के, n = -3/2 के, n − 3/2 है, यहां पे पुट करना, 2 को 1 से करवा दो, -3 को डिवाइड करवा दो, तो x बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/-3 लिखो या -2/3 लिखो, बात एक ही है, तो n की वैल्यू हो जाएगी -3/2, x की वैल्यू हो जाएगी -2/3, बाइनोमियल क्या होगी 1 − 2/3 − 3/2, इसके बाद आपको सॉल्व कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसके आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है शो दैट √2 = 1 + 1, जो भी एक इन्फिनिट सीरीज गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 12 दिखने में लग रहा है सेम टाइप के होंगे, क्योंकि इस √2 √3 एक ही काम करना है आपको, तो मैं 10 करवा देता हूं पहले। 10 में आपको प्रूफ करना है
कि रूट टू बराबर है वन प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाय थ्री टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाय टू की पावर फोर प्लस वन मल्टीप्लाय थ्री मल्टीप्लाय फाइव डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू टू की पावर सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो राइट हैंड साइड पे बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज आपको जो भी गिवन है जिसकी जो बाइनोमियल फॉर्मूला है जो भी बाइनोमियल आपके पास आ रहा होगा तो प्रूफ करो कि वो जो चीज आ रही होगी ना वो क्या होगी, वो रूट टू होगी। तो अब क्या करो, सिंपल इसको सॉल्व करो, एन एक्स की वैल्यू निकालो, जो एन एक्स आ रहा होगा उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रूट टू आना चाहिए। मतलब इसकी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको जब सिंप्लीफाई करो तो रूट टू आना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में जैसे आप पहले बाइनोमियल का सम निकालते थे ना, तो बस अब आपको इस बाइनोमियल का सम प्रूफ करना रूट टू के बराबर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो स्टार्ट करो, सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन से बेहतर है कि प्रूफ लिख दो आप, तो वही काम करना है। आप लेट कर लो यहां पे कि 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर है 1 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाय 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 4, और आगे लिखने का फायदा नहीं है। बट आपको पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो है ये तो बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लाई से स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो आप इसमें कंपेयर करवा लो इनको, तो आप लिखो बाई कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि एन एक्स जो है बच्चों वो किसके बराबर है 1 अपॉन 4 के बराबर है, और एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 16 के बराबर हो जाएगा। इसको 1 बोल देना, इसको 2 बोल देना, एंड n n माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 5 से, मतलब 3 अपॉन 32। इसको आप बोलते इक्वेशन नंबर 3। वही काम करना है, आप डिवाइड कर दो, आप लिखो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2 डिवाइड कर दो आप, क्या होगा ये हो जाएगा n n माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा ये है 3 अपॉन 32, ये है 1 अपॉन 16, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक n से ये वाला n कैंसिल, अच्छा 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, तो पीछे बचेगा n माइनस वन 2n, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, तो 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल, मसला ही हल। तो यहां पे 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई करवा दो बेशक n माइनस 1 ही रहेगा, और इस n को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो 3n, इस n को उधर ले आओ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां पे 2n बचेगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 2, तो n तो आ गया आपका। जैसे n आ गया तो अब आपके लिए इतनी कोई मुश्किल नहीं है, n पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पे माइनस 1 अपॉन 2 यहां पे आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 है, इस माइनस को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है बच्चों, माइनस 1 अपॉन 2 ही आ रही है। तो अब वक्त आ गया है, ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। तो अब होगा ये कि आप ये कह लो कि जो इक्वेशन नंबर ये जो है ना, इसको a कह देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, तो जो a है ना ये किसके बराबर आ रही है, जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस 1 अपॉन 2, या इसको इस तरह कर लो, इसी तरह कर लेते हैं 1 अपॉन 2, देखने में अच्छा लगेगा, वैसे तो कोई फर्क नहीं, किसी तरह भी आप कर लो, लेकिन स्टेप अच्छे लगेंगे थोड़े। डॉट 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 डॉट, ये पूरी इंफिनिट जो सीरीज है वो किसके बराबर है, जगह नहीं मेरे पास, मैं नीचे लिख देता हूं, ये पूरी चीज जो है ये बराबर है किसके, 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर एन के, एक्स एन आपने निकाल लिया, 1 एक्स यहां पे क्या है माइनस 1 अपॉन 2, एन यहां पे क्या है माइनस 1 अपॉन 2, तो बेसिकली ये जो पूरी इन्फिनिट सीरीज है वो इसके बराबर है, वो इसकी इन्फिनिट सीरीज है। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये पूरी आ रही होगी, तो उसका सॉल्व करते हैं, 1 में से 1 अपॉन 2 निकालो तो 1 अपॉन 2 ही बचता है। अगेन मैंने कहा था माइनस जो है ना वो हटा दो और रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन 1, लिखो ना लिखो बात एक ही है, और 2 की पावर 1 अपॉन 2 मतलब रूट 2। सवाल जो है बच्चों आपका प्रूव हो गया, चाहो तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख देना यहां पे कि जो पूरी इन्फिनिट सीरीज थी वो किसके बराबर आ गई,
रूट टू के बराबर आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से करोगे, पहले 11 मेंशन कर देते हैं। 11 क्या है कि आपको प्रूफ करना है 3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 1, ये पूरी चीज बराबर है 1 अपॉन 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 डॉट 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 इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही होगा, देखो शुरू में आपने इस चीज को कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें 1 नजर नहीं आ रहा। आप क्या करो, आप जैसे नॉर्मल सवाल को सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करो, 1 वाली कहानी बाद में देख लेंगे। तो आप इसको ऐसे ट्रीट करोगे यहाँ पे 1 मौजूद है, तो आप क्या कर लो, आप लेट कर लो 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 6 डॉट डॉट डॉट, आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल लेट करते हो ना वैसे ही लेट कर लेना। उसके बाद इसे कंपेयर करवाओ, nx की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन 16 और इसकी वैल्यू आ रही है 3 अपॉन 24 है मतलब 1 अपॉन 8 आ रही होगी। चाहो तो मेंशन कर दो 3 अपॉन 24 सॉल्व करो तो 1 अपॉन 8 आ रही होगी, 3 8 का 24 होता है ना। उसके बाद अगेन इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2, तो 3 क्या है n n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, डिवाइड करोगे बच्चों n स्क्वायर x स्क्वायर से, राइट हैंड साइड पे डिवाइड करते हैं 1 अपॉन 8 1 अपॉन 16 1 अपॉन 8 1 अपॉन 16, अगेन ये कैंसिल, n से ये वाला कैंसिल, n माइनस 1 अपॉन 2 n, 8 वन जा 8 8 टू जा 16, तो ऊपर है 1 नीचे है 1 अपॉन 2, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो ये पूरी चीज बराबर हो जाएगी 2 के, ठीक है। तो ये मतलब ऊपर 1 बचा हुआ था नीचे 1 अपॉन 2 बचा हुआ था, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 4 n, इस n को उधर ले आओ 4 n माइनस n और ये 3 बचेगा तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 3, तो ये n आपके पास आ गया। पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह माइनस 1 अपॉन 3 x 1 अपॉन 4, तो सॉल्व करो ये 3 ऊपर चला जाएगा ये माइनस भी, मतलब एक ही बात है, इतनी मुश्किल बात नहीं है, माइनस 3 अपॉन 4 आंसर आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो माइनस को शिफ्ट करवा दो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको कंसीडर करोगे जरूरत आपको इधर ही पड़ेगी, आप इसको इस तरह कंसीडर करो कि इक्वेशन नंबर ए किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर ए ये वाली है, ये बराबर है 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 4 मल्टीप्लाई 6 डॉट डॉट डॉट, ये किसके बराबर आई है, ये बराबर आई है 1 प्लस x की पावर मतलब होल पावर n, 1 है ये x है माइनस 3 अपॉन 4 n है माइनस 1 अपॉन 3। अब इसके नीचे आपने सॉल्व करना है वो मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मतलब इस इक्वल के बाद आपने जो सॉल्व करना है मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं। तो 4 वन जा 4 4 माइनस 3 क्या होता है 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3, अगेन माइनस कंपनसेट करने के लिए रेसिप्रोकल करो, ये हो जाएगा 4 की पावर 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो ये चीज लिखी हुई, आप क्या करो लेफ्ट हैंड साइड से उठा के 1 को इधर ले आओ, तो 1 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखो, इस 1 को उधर शिफ्ट करवा दो, तो यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन 4 1 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस अगली टर्म क्या थी 1 3 5 डिवाइडेड बाय 4 6 8 पूरी किसके बराबर है 3 रूट 4, और ये जो 1 था ये आप उठा के राइट हैंड साइड पे ले आए माइनस 1, तो सवाल आपका प्रूव हो जाएगा कि 1 अपॉन ये पूरी इंफिनिट सीरीज जो है 1 अपॉन 4 करके ये किसके बराबर है 3 रूट 4 माइनस 1 के बराबर है। डिफरेंट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड जिसको राइट में बना दिया राइट को लेफ्ट बना दिया कोई इशू नहीं, तो ये आपका सवाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है यार, देखो मैंने फेयर स्टेप आप लोगों को काफी करके दिखाए हैं, जो मेन आइडिया है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इतना टाइम भी नहीं है, 13 14 में दोनों करवाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग कोई गलती ना करो इसके अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल 13 देखते हैं, मैं प्रॉपर स्टेप करके नहीं दिखा रहा इसमें, मैं बेसिक बेसिक जल्दी जल्दी आपको बस बता दूंगा कि यहां पे आपको कंडीशन क्या गिवन है कि गिवन दैट आपको गिवन क्या है कि y जो है ये बराबर है 3 अपॉन 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 5 7
डिवाइडेड बाय 4 8 12 डॉट डॉट डॉट, और नीचे लिखा हुआ प्रूफ क्या करना है कि y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 है। तो चाहो तो सवाल में मेंशन कर देना, ये तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट, आप ऊपर सवाल में मेंशन कर देना कि y इक्वल टू ब्ला 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 जो भी है, वी हैव टू प्रूव दैट y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। प्रूफ स्टार्ट, प्रूफ स्टार्ट करने के बाद लिख देना गिवन दैट, आपको ये चीज गिवन है, इसके बाद आप स्टार्ट कर देना। आप किस तरीके से करोगे इसके अंदर, देखो बाइनोमियल में आपने कन्वर्ट करना है, इसमें आपको 1 नजर नहीं आ रहा तो 1 तो लाना पड़ेगा आपको। आप क्या करो यहां पे, आप यहां पे करना है एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप 1 ऐड करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस y, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4, 3.548 प्लस 3.5.7 डिवाइड बाय 4.812। अगेन डॉट मतलब यहां पे मल्टीप्लिकेशन है ये। उसके बाद अगर वही आप लोग काम करते हो जो लेट करते हो कि 1 प्लस एक्स की पावर है, ये जो पूरी बायनोमियल इन्फिनिट सीरीज आई है इसको आप लेट कर लेना, नीचे से भी लिख लेना, ठीक है। लिखने के बाद वही बट की वर्डिंग लिखते हो कि बट आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर है 1 प्लस एन एक्स प्लस जो भी डॉट 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 जो आ रहा होता है ना, दो तीन टाइम मेंशन कर देना। ये करने के बाद अगेन वही यार कंपेयर करना है आपने, इसको नाम दे देना ए का, अभी काम आएगी है। तो कंपेयर करना है एनएक्स जो है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बहुत दफा की है, एनएक्स 3/4 है, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 9/16। उसके बाद एन एन माइनस 1/2x² बराबर हो जाएगा 15/32 के, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो होगा क्या, जब आप डिवाइड करोगे ना, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लोग स्टेप बना लेना, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा n n माइनस 1/2n, ये तो आता ही आता है। 15/32 को डिवाइड करोगे 9/16 से, 15/32 9/16 ये हो जाएगा 2, 9 3 जा ये हो जाएगा 5 जा, तो 5/2 3, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। 3 अच्छा ऊपर ये n नहीं होगा, 3n माइनस 3 इक्वल टू 5 n, ये हो जाएगा 2n इक्वल टू माइनस 3, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2। ये जहां तक अभी मैंने सॉल्व किए ये यार अगेन ही गिवन है, पहले से मैं सॉल्व कर चुका हूं, आप लोगों करवा चुका हूं ये मैं। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन है वही है, पूरी बार बार रिपीट कर रहे हैं ये चीज ही, तो वही n की वैल्यू आ रही है, ये n की वैल्यू जो आई है इससे आप निकालो x की वैल्यू, जब आप यहां पे पुट करोगे माइनस 3/2 3/4 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ रही होगी -1/2। तो कहने का मतलब जब ये दोनों वैल्यूज आते हैं, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर ए कंसीडर करनी है, इक्वेशन नंबर ए जो है उसमें कंसीडर करो 1 प्लस, चलो इक्वेशन नंबर ए कंसीडर ना करो, इसमें आप इसको इक्वेशन नंबर बी कह देना। तो आप इक्वेशन नंबर बी पहले कंसीडर करना, क्योंकि इक्वेशन नंबर बी में 1 प्लस 3 प्लस जो भी है 3 मल्टीप्लाई 5/4 जो भी है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 1 माइनस 1/2 और n क्या है -3/2। तो सॉल्व करो, ये पूरी चीज हो जाएगी 1/2 की पावर -3/2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2, ये हो जाएगा 8 की पावर 2। उसके बाद आप क्या करना, आप इक्वेशन नंबर ए कंसीडर करना, इक्वेशन नंबर ए में अगर आपको याद हो तो लेफ्ट हैंड साइड में था 1 प्लस वाई और राइट हैंड साइड पे पूरी इन्फिनिट सीरीज थी, जो कि आपने निकाल ली किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 सिंपल है यहां पर, तो यहां पे आप पुट कर दोगे स्क्वायर रूट 8, क्योंकि इक्वेशन नंबर ए पे पूरी इन्फिनिट सीरीज थी जिसका आपने सम निकाल लिया किसके बराबर है रूट 8 के बराबर है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, मेंशन करना चाहो तो कर लेना, रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8, y स्क्वायर प्लस 2y, 8 को तो लाना सब्ट्रैक्ट होगा, ये लो बच्चों आपका सवाल प्रूव हो गया कि y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो बिल्कुल वही स्टेप करने, यहां तक तो आप हर सवाल में करते हुए डालते, बस एक्स्ट्रा काम यहां पे करना है और आपका प्रूव हो जाएगा। ये एग्जांपल बुक में भी लिखी हुई है, एग्जाम में भी आ चुकी है, मैं बता देता हूं ये पेज नंबर आपको मिलेगी 2 पे, एग्जैक्ट इसी टाइप की एग्जाम्पल है, अगर आप उसमें देखो वही एड करवाया हुआ है, यही सेम स्टेप है, कोई इसमें फर्क नहीं है, सब काम वही करना है, एंड पे वहां पर रूट 3 सम आ रहा है। तो बुक ने यहां पे अच्छा
क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर टू में ना ये चीज x के बराबर गिवन है, जैसे हमारी y के बराबर है ना तो x के बराबर है। तो फिर जब आप बायनोमियल लिखो ना तो बायनोमियल को आप y के टर्म में लिख देना, क्योंकि ये x के टर्म में, ये भी x के टर्म में, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, x की वैल्यू आए वो आप यहां पे ना पुट कर दोगे। तो सिंपल लैंग्वेज में इस बायनोमियल को 1 प्लस y के फॉर्म में लिख देना, जैसे वेरिएबल मतलब यहां पे x लिखते थे अब वहां पे y लिख देना। बायनोमियल जो है 1 प्लस y की पावर n में जहां जाए x आता था x स्क्वायर x क्यूब तो y y स्क्वायर y क्यूब आ जाएगा, मतलब ये n y हो जाएगा, यहां पे y स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे एक n की वैल्यू आएगी एक y की वैल्यू आएगी, तो वो यहां पे आप पुट कर देना, इसका आंसर रूट थ्री आ रहा होगा। रूट थ्री को बराबर रखना है इसके, ये होगा 1 प्लस x। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ पेज नंबर 291 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम में आ चुकी है। तो एग्जैक्ट वही काम करोगे एंड पे आपके पास इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। करना क्या 14 में क्या गिवन है, 14 में गिवन है इफ y इक्वल टू, मतलब इस सवाल को छोड़ दो यार, इफ y इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x डॉट डॉट डॉट, तो आपको प्रूफ करना है कि x बराबर है, पूरी लंबी लंबी चीजें लिखनी है। तो बहरहाल आप क्या करना, वही एडिंग 1 ऑन बोथ साइड ये कर लेना, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, आपको बताया 1 प्लस y ये किसके बराबर है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी मशहूर बायनोमियल सीरीज है। मैंने आप लोगों को प्रोडक्शन में बताया था 8.3 से पहले कि है 1 माइनस x की पावर माइनस 2 है, ये उसके बराबर होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करो ना तो ये x इक्वल टू पूरी बायनोमियल आ रही है। अब ये आप कैसे निकालोगे, आपको इतना पता लगेगा 1 प्लस y इसके बराबर है। आप क्या करो यहां पे, सबसे पहले आप पावर माइनस 1/2 दोनों तरफ ले लो, यहां पे आपने पावर माइनस 1/2 ले ली, इसी तरह यहां पे भी आप पावर माइनस 1/2 ले लो दोनों तरफ, जैसे आप स्क्वायरिंग करते हो दोनों तरफ यहां पे माइनस 1/2 पावर ले लो, तो होगा ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस x बराबर हो जाएगा 1 प्लस y की पावर माइनस 1/2 के, और x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस y की पावर माइनस 2, ये x की वैल्यू आती है। दैट्स इट। आपने क्या करना है, इसके बाद आपने डायरेक्ट यहीं पे बायनोमियल अप्लाई कर देना, यहीं पे आप इस स्टेप के बाद का फॉर्मूला मेंशन कर देना कि बायनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, चाहो तो y के टर्म में कर देना क्योंकि y वाले को आपने एक्सपेंड करना है, तो फॉर्मूला मेंशन कर देना कि 1 प्लस y की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ny प्लस n n माइनस 1 अपॉन 2y स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, जो भी है। मेंशन करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या है कि 1 लिखो प्लस एन वाई प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई स्क्वायर, रिकॉर्ड रन कर देते हैं, इसके बाद माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या होगा वाई क्यूब, क्यूब तक मेंशन कर दो, बुक वालों ने 4 तक मेंशन किया हुआ, कोई मसला नहीं है, आप क्यूब तक कर लो काफी है, और बिल्कुल उसी फॉर्म में करना है जिस तरह बुक में लिखा हुआ है, तो उसी फॉर्म में हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा, आप काम करो एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो सबको और सिंपलीफाई भी करो, तो ये वाला बना अपनी जगह पे, ये माइनस 1 से होगा ये हो जाएगा माइनस 1, ये अच्छा यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 वाई, अच्छा इसी तरह ये वाला नेगेटिव यहां पर आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर है माइनस 1 अपॉन 2, जब इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2, नीचे आ रहा है 2, ये हो गया वाई स्क्वायर, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो नेगेटिव, ऊपर होगा माइनस 1 अपॉन 2, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो माइनस 3 अपॉन 2, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो माइनस 5 अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल था जो कि बराबर होता है 6 के, और यहां पे आ रहा है वाई क्यूब, आगे आप डॉट 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 लगा दो, दैट्स इट, वो एक्स्ट्रा इतनी टर्म निकालने की जरूरत नहीं, मुश्किल सवाल बनेगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर है 1 अपॉन 2 y के, अच्छा जी, उसके बाद माइनस माइनस से तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बात खत्म। तो आप बिल्कुल बुक वाली फॉर्म में लाओ, बुक में लिखा हुआ है 1 3, नीचे लिखा हुआ 2 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, तो आप एक काम करो उसको 2 फैक्टोरियल लिख दो, बिल्कुल बुक से कंपेयर करते हैं, ऊपर आपके पास 1 है मल्टीप्लाई 3 है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर, ये नीचे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 फैक्टोरियल से, ये वाई स्क्वायर अपनी जगह पे, इसी तरह बिल्कुल इसको भी बुक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहली बात माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, जो इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3 5 और 2 2 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेसिकली 6 क्या था,
सिक्स थ्री फैक्टोरियल था ना, तो बुक ने थ्री फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आप एक्जैक्ट मैच करवा के थ्री फैक्टोरियल लिख दो और ये वाई क्यूब जो है अपने जगह पे। चाहो तो आप इसके आगे एक और टर्म भी निकाल सकते हो, उसकी टर्म नेगेटिव आएगी। इसकी अगली टर्म जो है वो क्या होगी, माइनस वन अपॉइंट टू, माइनस थ्री अपॉइंट टू, माइनस फाइव अपॉइंट टू, माइनस सेवन अपॉइंट टू। नीचे आएगा फोर फैक्टोरियल, यहां पे आएगा वाई फोर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 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 पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव मतलब जो चौथी टर्म जो इसके बाद जो टर्म आएगी, ये वाला नेगेटिव उससे मल्टीप्लाई इसको नेगेटिव कर देगा, और ये तो सब पॉजिटिव है ना, तो एक शॉर्ट आपके पास नेगेटिव आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये वाला नेगेटिव कैसे आया, ये माइनस उस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला नेगेटिव आपको मिल रहा होगा। तो टर्म क्या होगी, टर्म होगी वन थ्री फाइव सेवन, टू चार दफे तो टू की पावर फोर मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल वाई की पावर फोर, ये इससे अगली टर्म ये वाली आ जाएगी। तो आपका सवाल प्रूव हो जाएगा, नीचे लिख देना कि हेंस एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा पूरी बायनोमियल सीरीज के, जो भी आ रहा होगा सवाल आपका प्रूव हो जाएगा।